और बड़ी खबर कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब मोबाइल कनेक्शन सामने आया। कैसे? दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि रियाज और गौस दोनों जो आरोपी हैं, इनके मोबाइल फोन खंगाले गए हैं। मोबाइल फोन जब खंगाला गया तो कई खुलासे हुए हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि धार्मिक पुस्तकों को बेचने के लिए एक बुक सेलर जो है उसको पैसे दिए जा रहे थे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान का भी कनेक्शन इस मोबाइल फोन से हुआ है। और यहाँ तक कि कनेक्शन ये भी कि किसी ने ये कहा है कि हमारा जो हुक्म है उस हुक्म को मानना होगा, तालिबानी तरीके से दहशत फैलाना होगा, तो ये हुक्म भी दिया गया है। वैसे में कौन है ये हुक्मराना, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब इन सब की जांच जो है वो NIA की टीम करेगी और लगातार इन दोनों ही आरोपियों से पूछताछ हो रही है। और पूछताछ के साथ साथ अब तो कनेक्शन और ज्यादा आगे तक निकल कर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है पाकिस्तान के 10 ऐसे लोग हैं जो इन दोनों के संपर्क में थे। निदा, बिल्कुल, तो इस हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। आका जो है वो हुक्म दे रहे हैं कि कुछ करके दिखाओ। सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये आका है कौन, जिनकी तरफ से ऐसा हुक्म आता है कि आप किसी का गला तक काट देंगे और आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे बड़ी बात ये कि आप यहाँ रहते हैं इंडिया में, वो 10 लोग कौन है जो आपके मोबाइल में जिनके कॉन्टेक्ट मिले हैं, सीधा उनका कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है। इससे भी बड़ी बात ये कि लगातार जिस तरीके से ब्रीफिंग की जा रही थी पूरे ग्रुप में, और लगातार एक दूसरे से टच थे ये लोग, और सबसे बड़ी बात ये कि अभी ऐसे और कितने राज हैं जो खुलने बाकी हैं। इस खबर की ज्यादा तफसील के लिए आइए सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी सागर के पास। सागर, बिल्कुल, हर रोज देखिए नए नए खुलासे हो रहे कन्हैयालाल मर्डर केस में। और अब देखिए कुछ और जो तस्वीरें सामने आई जांच में, कन्हैयालाल हत्याकांड में एक नया खुलासा। रियाज और गौस के मोबाइल से कई बड़े और अहम सुराग हाथ लगे। इसके साथ ही साथ आका दे रहे थे हुक्म, कुछ करके दिखाओ ये कहा जा रहा, इनको हुक्म मिल रहा था तालिबानियों की तरह दहशत फैलाने का, इनको हुक्म मिला था, इसीलिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया इन दो आरोपियों ने। आतंकी संगठन दावत इस्लामी जिसका जिक्र किया गया, राजस्थान में 3 दर्जन लोग तैयार किए गए थे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। रियाज गौस की कॉल डिटेल में कई ऐसे नंबर मिले जिनसे लगातार संपर्क ये कर रहे थे, और 10 लोगों के 20 मोबाइल नंबर पाकिस्तान के। जांच एजेंसियां नंबरों का अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि आखिर वाकई में ये नंबर कहां से, सिर कलम करने की ट्रेनिंग आखिर इन्हें कहां से मिली, इसकी भी जानकारी भी मिल रही है। सोशल मीडिया ऐप के जरिए इन्हें वीडियो ट्रेनिंग दी गई कि कैसे घटना को अंजाम आप दीजिए। वही 40 लोगों को ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग दी गई दहशत फैलाने के लिए। अजमेर में आपत्तिजनक धार्मिक किताबें बिकवाने की देखिए इन पर तस्वीरें भी सामने आई। हर रोज लगभग 300-400 रुपए की जो बातें निकलकर सामने आई वाकई में चौंकाने वाली है। नीतू, बिल्कुल, तो कई खुलासे हुए हैं और उन खुलासों को अब समझेंगे हम कि किस तरह से जब ये खुलासे हुए हैं तो NIA की टीम अब आगे क्या जांच करेगी, क्या उस तह तक भी पहुंचेगी NIA की टीम जो मोबाइल फोन से नंबर निकले हैं, और जो बुक सेलर जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं उससे भी पूछताछ होगी, क्या वो भी आएगा गिरफ्त में। ये तमाम सवालों को जानने के लिए, इसके जवाबों को जानने के लिए मेरे सहयोगी दीपक चावला सीधे तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्योंकि इससे पहले भी आप जुड़े थे, कई तरह के सवाल जवाब हमारे बीच हुए थे, अब सवाल ये है कि जब ये तमाम खुलासे हो रहे हैं उसके बाद NIA की टीम आगे किस तरह की जांच कर रही है, क्या कुछ आपके पास इनपुट स्टोरी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, ये बॉस और जो रियाज है और मौसी है और एक अन्य शख्स है, ये चारों अभी भी NIA के पर है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब नया अपडेट ये सामने आया कि अजमेर में दोनों आरोपी गए थे और अजमेर से संभवतः प्लानिंग की शिकायत मिल रही है। NIA पूरे मामले की जांच जयपुर अजमेर दोनों शहरों को छोड़कर देख रही है। एक बात ये सामने आई, मैंने पहले दिन ही बताया था कि पूरे घटनाक्रम का कनेक्शन पाकिस्तान से है, आतंकी संगठन दावत इस्लामी संगठन से है। बात इनको लगातार पिछले साल 1.5 साल से ये लोग संपर्क में थे, और जैसे ही कपूर शर्मा का जो घटनाक्रम हुआ तो वहां से इशारा मिला कि बातें बहुत हो गई, आप कुछ करके दिखाओ, तो इन्होंने कुछ करके दिखा दिया। एक अपडेट ये भी मिला है कि सर ने ये बताया है कि वहां से इनको लगातार इनको कुछ करो कुछ करो, तो इन्होंने कहा अब हम कुछ करके दिखाते हैं। दोनों आरोप उदयपुर हत्याकांड में नए खुलासे हो रहे हैं, और अब कहा यह जा रहा है कि अंजुमन कमेटी जो है उसके भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जो शक के घेरे में हैं। आपको नहीं लगता कि अंजुमन कमेटी को खुद सामने आना चाहिए, और अगर कोई भी शक के दायरे में आ रहा है तो उनको खुद आगे करना चाहिए कि आप इनसे पूछताछ कीजिए और सच का पता कीजिए? ऐसा है कि वहाँ की
जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और अच्छी तरह ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो, जो लोग भी हों उसके अंदर शामिल वो सामने आए। लेकिन वो जो मुजरिमों ने तो बहुत बेरली उसको मारा फिर दिखाया और ये पूरी कंट्रोवर्सी नुपुर शर्मा के बयान के बाद शुरू होती है और वो आदमी जो था वो जुड़ा हुआ है बीजेपी से, मालूम हो गया मेंबर है उसका पार्टी का। हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है आज की तारीख में सब स्पॉन्सर्ड है, वो टेररिज्म हो, वो कम्युनलिज्म हो, वो कास्टिज्म हो, वो करप्शन हो और मीडिया के जो हाउसेज है वो सबको मालूम ही है किस किस की मीडिया हाउसेज है और वो क्या चाहते हैं स्कूल के अंदर। ये बड़ी अफसोस की बात है। बाहर सर एक मिनट, मीडिया नकवी साहब एक मिनट, मीडिया हाउसेस क्या कहते हैं? आप सीधा सीधा मीडिया हाउस पे आरोप लगा रहे हो। सर कोई आएगा खुलेआम गला काट देगा, वीडियो बनाएगा, उसे वायरल करेगा और मीडिया दिखाए भी ना कैसे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिखाया, वो अच्छा करा, वो ऐसी हाँ। बात नहीं है, वो तो मैं तारीफ करूंगा मीडिया की, ऐसा थोड़ी है कि मैं बात को दिखा, बिल्कुल दिखाना चाहिए इस तरह के। हम कंडेम करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में, हमने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में। अगर अंजुमन कमेटी पर अगर सवाल खड़े हो रहे नकवी साहब तो अंबानी अडानी इसमें कहां से आ गए? नहीं नहीं मैं जनरल बात कर रहा हूँ अडानी, मैं अंजुमन कमेटी आपने यही जिक्र किया, जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो इसमें आप अंजुमन पल्ला झाड़ने के लिए कुछ भी आप कर रहे हैं। अरे भाई पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए ना, अंजुमन कमेटी इन्वेस्टिगेशन पर ही हमने सवाल किया ना, अंजुमन कमेटी पर ही निकाली ने सवाल पूछा ना, लेकिन अंडानी अडानी पूरे खबर में कहां से आ गए? ये बिल्कुल सच बात है जो चैनल का मुझे नहीं मालूम आपका चैनल लेकिन नकवी साहब आप तो कह रहे हैं, नकवी साहब आप तो कह रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड किया गया है, आपको क्यों लग रहा है कि इनको स्पॉन्सर्ड किया गया है? जनरल ये सारे हिंदुस्तान में हो रहा है, ये सब चीज स्पॉन्सर्ड में काम में, हर एक प्रॉब्लम को कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज को कह रहा हूँ। नुपुर शर्मा के बयान के बाद क्या एक्शन हुआ अब तक अरेस्ट हुआ उसका, अब तक क्या हुआ बताइए आप फर्दर चीजों को जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके अंदर सीरियस है, आर यू नॉट सीरियस अबाउट द अरेस्ट ऑफ नुपुर शर्मा? ये कितनी गलत बात है। अरे भाई जिसने बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर सारा माहौल खराब कर दिया, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ, अंजुमन कमेटी के लोगों को अरेस्ट कर लीजिए अगर उनका अगर वो एविडेंस आती है उसके अगेंस्ट। हम बिल्कुल डिफेंड करने नहीं जा रहे हैं किसी को, हम नहीं कर सकते किसी को डिफेंड। अगर कोई मुलव्वस है, अगर कोई इससे कांस्पायर किया है तो बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। आई ट्रस्ट के गहलोत की पुलिस जो है स्टेट की ईमानदारी से काम करके अरेस्ट करके उन लोगों को उनके खिलाफ ट्रायल होगा, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। ठीक है नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सीधी सी बात यह है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, और अगर गिरफ्तार नहीं करोगे तो ऐसा लग रहा है अभी नकवी साहब की बात से कि हम किसी का भी गला काट देंगे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। नुपुर शर्मा के केस में भी कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है और इस हत्याकांड में भी कानून जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है लगातार।